पे नहीं रहना चाहती। मैं सुल्तान को किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। मुझे मार डाले, मेरा मुझे पागलखाने भेज दे, मुझे 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 मार डाले। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, वो किसी और का नहीं हो सकता। मैं ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तो इसकी सजा। क्या जरूरत थी तुम्हें आलमदार के साथ मिलकर सुल्तान की वीडियो को अपलोड करवाने की? अपने बाप के नाम को, हमारी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसकी सजा भी तुम खुद भुगतोगी। और तुम्हारे बेवकूफी की कीमत तुम्हारे बाप को चुकानी पड़ रही है। तुम अपने मफाद के लिए इतना गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी कि मेरी इज्जत को बर्बाद करने के लिए तुम इतनी घटिया साजिश करोगी। डैड, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि उस वीडियो से आपको इतना नुकसान पहुंचेगा। क्या हो गया आपको? जवान औलाद पर हाथ उठा रहे हैं आप? जान से मार दूंगा इसे मैं। इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। जान से मार दूंगा इसे मैं। वो तो पागल हो गई है, आप तो होश में आए। पागल हो चुकी है तो यहाँ क्या कर रही है? इसे पागल खाने में होना चाहिए था। इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है, मेरा करियर तबाह कर दिया है। मैं खुद इसे पागल खाने छोड़ के निकल जाओ, निकालो इसे बाहर, ले जाओ इसे और दाखिल कराओ किसी पागल खाने में। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बदलाव औलाद। मुझे दे बस। आपी, ये घर खर्च के लिए कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिएगा और मुझे बिल भी दे दीजिएगा। जाते हुए मैं जमा करवा दूंगी। बिजली का बिल राशिद ने जमा करा दिया था, 7-15 हज़ार अम्मा को खर्च के भी दिए। उनके पास पैसे कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि उनकी जॉब चली गई है और कोई सेविंग भी नहीं। अनवर से 25 हज़ार रुपये कर्ज लिए उन्होंने। अम्मा बता रही थी कि अनवर राशिद को अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाना चाह रहा है, टायरों की शॉप का। बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई ने अपना बिजनेस पार्टनर क्यों बनाएगा? और वैसे ये अनवर इतने एहसानात क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे तो डर लग रहा है कहीं एहसानात का बदला ही ना मांग ले। क्या बदला मांगेगा? मेरा रिश्ता? रिश्ते की बात तो वो अक्सर करता था, लेकिन हमेशा मैं ही टाल देती थी। लेकिन अब कारोबार जम गया उसका, इस बारे में सोचा जा सकता है। आप ही कहीं आप लोगों ने उसके साथ मेरी शादी तो तय नहीं कर दी? तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे तय कर सकते हैं नदीम? मैंने तो हमेशा ही ये सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से करूं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिले हाँ कर दूं, तुम्हारे हाथ पीले करूं। हालात देख रही हो आजकल के, जब से तुम्हारी दोस्त का कत्ल हुआ है मैं तो बहुत डर गई हूँ, रातों की नींदें उड़ गई हैं मेरी। ये बसों की नौकरी, ये हॉस्टलों में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। जवान जहान है, फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। कोई ढंग का रिश्ता भी तो नहीं है, पर ख़ानदान में भी तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं। अगर मिल भी गया तो जहेज़ कहाँ से लाएंगे? मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करूँगी जिसे मुझसे ज़्यादा मेरे जहेज में दिलचस्पी है। कहाँ से मिलेगा ऐसा रिश्ता इसी दुनिया में? बल्कि ये समझें कि मिल गया। राशिद भाई कहाँ? अंदर। मुझे आपसे और राशिद भाई से कोई ज़रूरी बात है। किस बारे में? आ जाएं, बताते हैं। मैं
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी अपनी बेटी इसमें इन्वॉल्व होगी। उसने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो सुल्तान की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। वो कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं करती, खुदगर्जी है उसकी। सुल्तान से मोहब्बत नहीं करती है, सिर्फ उसे हासिल करना चाहती है। इसलिए कि सुल्तान ने एक मामूली लड़की को फौकियत दी है उस पर। ये तो शुक्र करो बीजान और सुल्तान को पता नहीं चला इस बारे में, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी शय की वजह से बिगड़ गई है वो। शैतानी कामों की फैक्ट्री बन गया उसका दिमाग। क्यों ना उसे हाई स्टडी के लिए बाहर भिजवा दें, शायद कुछ उसमें सुधार आ जाए। पहले भी भेजा था तुम्हारे कहने पे, ऑस्ट्रेलिया भेजा था, क्या किया उसने? मगरिब के रंग में ढल के आ गई है वो, बजाय सुधरने के और बेड़ा गर्क हो गया उसका। इसका अब सिर्फ एक ही इलाज है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए। रिश्तों तो बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हमारी इकलौती औलाद है, सुल्तान के रिजेक्शन को उसने दिल पे ले लिया है, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना उसे संभलने में। राशिद भाई, आपने किससे पूछ के मेरा रिश्ता उससे तय किया? डोनाल्ड ट्रंप से। तुम्हारी जिंदगी से मुतल्लिक को फैसला करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है? अरे सरपरस्त हूं मैं तुम्हारा, पूरा हक हासिल है मुझे। इतनी सी थी तुम, इतनी सी थी ना, नाक बहरी थी तुम्हारी जब तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस घर में लेके आया था। मैं मानती हूँ कि आपके बहुत सारे एहसानात हैं मेरे ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप लोग कुएं में कूदने का कहेंगे तो मैं कूद जाऊंगी। आप एक मर्तबा देख तो लें जिस लड़के का कह रहे, हो सकता है वो अच्छा हो। वाह, छोटी तो छोटी, बड़ी उससे भी आला। नहीं क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरी की इजाजत इसे इसलिए दी थी कि बाहर जाके ये इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ जाए? अरे मैंने तो पहले कहा था कि इस लड़की को शहर से बाहर ना भेजो नौकरी के लिए, लेकिन मेरी तो ना तूने मानी ना तेरी बीवी ने। अरे इसका बाप तेरी जिम्मेदारी पे से यहाँ छोड़ के गया है, क्या जवाब देगा उसे? मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको लोगों के सामने जवाब दे होना पड़े। हेलो हेलो, ठीक कह रही है माँ, गौर से सुनो क्या कह रही है। अरे भाई नगीन, जब इस घर में पली बड़ी है तो जिम्मेदारी हमारी हुई ना। मैं अब इस बोझ को जल्द अज्द अपने सर से उठा के फेंकना चाहता हूँ, ऐसे तो ऐसे ही सही। आप मेरी बहन को बोझ कह रहे हैं? अरे जवान लड़कियाँ जो होती है ना, बोझ ही होती है। अपनी हो तो कोई सवाल नहीं पूछता, पराई हो तो 10 सवाल पूछे जाते हैं, 50 उंगलियां उठती हैं। वाह क्या हिकमत की बात की। बताए दे रही हूँ ना, मेरे दिल में इतनी सकत है और ना ही मेरे आसाब इतने मजबूत है, समझ आई तुझे? भैया मुझे तो हमेशा धड़का ही लगा रहता है। नहीं अल्लाह आपको सलामत रखे अम्मा, क्या हो गया? अब आप लोगों को मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है उसको ना इन लंबी चौड़ी रस्मों की जरूरत है और ना ही जहेज की। अच्छा भाई, ये साल 2020 में ये कौन सा लड़का ऐसा आ गया जो सादगी के साथ बगैर जहेज के तुम्हें अपने साथ रुखसत कर लेगा? कौन है? अरे नाम क्या है? मुजद्दिद दौरानी का नाम सुना है आपने? सुबह का वजीर, उनके सगे भतीजे हैं सुल्तान दुरानी। मुजद्दिद दुरानी का भतीजा? लड़का खुद क्या करता? जमींदार है, उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, अपनी स्टील मिल्स, सब कुछ। आप हंस क्यों रहे हैं? दुरानी साहब का भतीजा वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक, वो
मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई सच कह रही हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अरे अरे दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। बोला बताओ, इतना अमीर कबीर आदमी फैक्ट्रियों का मालिक। अरे बासु, अंधा तो नहीं है वो। मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो बहुत जल्द आएंगे यहाँ रिश्ता लेकर। नहीं नहीं, मजाक मजाक, वो ये जो दुर्रानी साहब के जो भतीजे आएंगे तो वो हेलीकॉप्टर से। अरे पागल हो गई है तेरी बहन, मुझे तो लगता है रात को सोई है, कोई फिल्म आई है इसके ख्वाब में। क्या था आपको, मिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पता नहीं कौन है ये जो तुमसे बड़ा आदमी बन के मिल रहा है। तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम्हारी बस में मुलाकात हुई थी। इतना अमीर कबीर आदमी बस में सफर क्यों करेगा? बात करवा दो, फिर यकीन आएगा। फोन पे बात करने से मुझे यकीन नहीं आएगा। जब तक उसे मिल ना लें, उसे परख ना लें, तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। यकीन, शादी अपनी हैसियत के लोगों में हो तो ही बेहतर होती। अभी कौन सा उसकी हैसियत है, उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रही हूँ। अच्छा लगता है वो मुझे, एक बहुत अच्छा इंसान है, मेरे साथ बहुत मुखलस है, सच्ची मोहब्बत करता है मुझसे। वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानता है, उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इज्जत देना चाहता है। और क्या चाहिए मुझे? मिलती रही उससे कई बार। राशिद को पता चला ना तो तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। तुम्हारी बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। पता नहीं क्या सोच के तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया। कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे मेरे ससुराल वालों के सामने मेरा सर झुक जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मुझ पर एतबार है ना? तुम पे मुझे एतबार है, लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है। यकीन, तुम बहुत मासूम हो, दुनिया इतनी मासूम नहीं है। अच्छा, मैं अब कराची जाऊंगी तो उसे कहूंगी यहाँ आ जाए, आके रिश्ता मांग ले। ठीक है, आपको कुछ दिखाऊं? ये तो बहुत महंगी है। सुल्तान ने दिया। नकी, मर्द अंगूठी सिर्फ उसको नहीं देता जिससे उसने शादी कर ली, इसलिए जब तक वो तुम्हारा रिश्ता लेकर ना आ जाए, इसको छुपा के रखना, खास तौर पे मेरे ससुराल में से कोई ना देखे। ठीक है, चाय मिलेगी। एक दिन का कहकर गई थी, पूरे तीन दिन के बाद आई हो। उदास हो गए थे आप मेरे बगैर। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता हूँ नगीन। अब तीन दिन मैंने कैसे काटे तुम्हें देखे बगैर, ये मैं ही जानता हूँ। इंतजार का भी अपना ही मजा है। मुझसे नहीं होता इंतजार। इंतजार बहुत बुरी आदत है ये। मुझ में तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं, गुजारा कर लोगी मेरे साथ? अच्छा,
लेकिन मुझे तो आप में कोई बुरी आदत नजर नहीं आती। अच्छा तो फिर वो सब क्या था, वो थप्पड़, वो बेइज्जती? मेरी गलती थी, मैं आपको और आपके सच्चे जज्बों को पहचान नहीं पाई, उन्हें समझ नहीं सकी। मुझे माफ कर दें, I'm very sorry, please सुल्तान, अब तो माफ कर दें। माफी तुम्हें एक ही सूरत में मिल सकती है, और वो ये कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करो। तो उसके लिए तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, मेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हैदराबाद? चलो अभी चलते हैं। अभी नहीं, पहले आपको बीजान से बात करनी पड़ेगी ना। बीजान से? चलो अभी चल के मिल लेते हैं बीजान। अभी अभी कैसे सुल्तान, अभी मेरा होलिया नहीं है, ठीक, मैं अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे होलिये को, इतनी प्यारी तो लग रही हो। लेकिन सुल्तान, लेकिन कुछ नहीं, हम अभी जा रहे हैं बीजान से मिलने, और आज हम सारा दिन उन्हीं के साथ गुजारेंगे। इस हद तक चली गई कि अपने बाप और सुल्तान की इज्जत की परवाह भी नहीं की। अगर ये हकीकत सबको पता चल गई तो कयामत आ जाएगी इस घर में। नहीं नहीं, मुझे ये बात सबसे छुपानी होगी, और फिर सुल्तान भी तो उस लड़की नगीन को चाहता है, तो फिर मुझे सुल्तान की खुशी में ही खुश होना चाहिए। बेटा कुछ लो ना, तुम तो तकल्लुफ कर रही हो। अच्छा ये ट्राई करो। बेटा अपना ही घर समझो, तुम्हें इसी घर में दुल्हन बनकर आना है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सुल्तान अक्सर आपका जिक्र किया करते हैं, और मुझे खुद बहुत शौक था आपसे मिलने का। मैंने ही सुल्तान से कहा था कि तुम्हें यहाँ बुलाकर मुझसे मिलवा दे। दरअसल आना तो मुझे खुद चाहिए था तुम्हारी बहन के पास रिश्ता लेके, लेकिन डॉक्टर्स ने सफ़र करने से मना कर दिया। मैं तो 2 महीने से गांव भी नहीं जा सकी। बल्कि बेटा इस वीकेंड पे सुल्तान तुम्हारी बहन के पास हैदराबाद जाएगा। अरे हाँ, बेटा ये रखो तुम। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं ले सकती। अरे बेटा ये मैंने सुल्तान की दुल्हन के लिए रखे थे। ये देखो, माशाल्लाह। जरा सा एहतियात से लो, बंद कर लेना। जी बहुत प्यार है। जीती रहो, खुश रहो।
अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही। क्या सोच रही हो? यही कि मुझ जैसी आम लड़की पे किस्मत इतनी मेहरबान भी हो सकती है, ऐसे पलटा खा सकती है, सुल्तान जैसा इतना अच्छा इंसान मिल सकता है, इतनी सारी दौलत, नौकर चाकर, इतना बड़ा घर, सब कुछ। मैंने तो कभी इन सारी चीजों की ख्वाहिश भी नहीं की थी। तुम वाकई में बहुत किस्मत वाली हो। मुझे तो तुम पे रश्क आता है और डर भी लगता है कि तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। अल्लाह ताला को जरूर तुम्हारी कोई बात पसंद आई होगी जिसके सिले में तुम्हें ये सब मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, उनका घर कैसा है? बहुत बड़ा, बहुत शानदार, जैसा टीवी ड्रामा में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। सच में? अच्छा तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी शादी के बाद? पागल हो? हरगिज नहीं। और वो लोग रिश्ता लेके कब आ रहे हैं? इसी हफ्ते। कह रहे थे कि शादी भी इसी माह करेंगे साथी के साथ। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। अच्छा किया तुमने। मैं भी यही चाहता था कि शादी से पहले तुम जॉब से रिजाइन कर दो। वैसे भी वो जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं थी। आज कराची में मेरा आखिरी दिन है। कल मैं हैदराबाद चली जाऊंगी। What? Really? तो बस आज का दिन हम साथ ही गुजारेंगे? हम कल भी सारा दिन साथ थे। तो तुम मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी फैमिली भी थोड़ी कंजर्वेटिव सी है, पता नहीं। आज मेरी बात हुई थी तुम्हारी बहन से, मैंने बीजान की भी बात करवा दी थी उनसे। बताया था मैंने। अब तो कोई शक और शुबा नहीं है मुझ पे? आपकी सिंसेरिटी पे मुझे कोई शक नहीं। तो मुझसे खुश तो हो ना? बहुत। कितना? इतना खुश हूँ कि। कितना ज्यादा बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। बहुत खुश हूँ, इतना कि शायद मेरे पास अल्फाज ही नहीं। मुझे यकीन नहीं था कि बीजान इस रिश्ते के लिए इतनी आसानी से राजी हो जाएंगी। तुम्हारे घर वालों को तो कोई एतराज नहीं होगा ना? आप ही को तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन राशिद भाई को एतराज था। क्यों, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें लगता है कि आप जैसे लोगों को अपने स्टैंडर्ड के लोगों में शादी करनी चाहिए और आप मुझे। मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है। तुम फिक्र नहीं करो, उन्हें कैसे कायल करना है मैं जानता हूँ, बस तुम खुश रहा करो। मैं तो खुश हूँ। और आप? मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे मिल गई। बस वो और कुछ नहीं। ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा घर है जो कि आज से तुम्हारा है।
लेकिन मैं तो आपका घर देख चुकी हूँ, बीजान से भी मिल चुकी हूँ। हाँ, ये भी मेरा ही घर है और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं इसे तुम्हारे नाम कर दूँ। आओ अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। क्या वो चलो ना? नहीं, मैं वो सोच रही थी कि क्या इतबार नहीं है मुझ पर। ऐसी बात तो नहीं। तो फिर आओ ना, आ जाओ। बहुत खूबसूरत घर है आपका, लेकिन यहाँ रहता कौन है? फिलहाल तो नौकर ही रहते हैं, लेकिन शादी के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ क्यों? हमें तो बीजान के साथ रहना चाहिए ना। हाँ, वहाँ भी जाया करेंगे, लेकिन ये हमारा जाती घर होगा। ये घर मेरी तरफ से तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा होगा। तुम रुखसत होकर इसी घर आओगी मेरे साथ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाऊँ। आओ। क्या हुआ, चलो ना। अब चलना चाहिए ना। क्यों, तुम्हें एतबार नहीं है क्या मुझ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आप नाराज मत हो, हम देख लेते हैं। नहीं, अगर तुम्हें एतबार नहीं तो कोई बात नहीं, वापस चलते। नहीं 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 सुल्तान, मेरा ये मतलब नहीं था। चले आए, बेडरूम देखते हैं। हाँ। ये है हमारा बेडरूम, कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत, इससे खूबसूरत कमरा मैंने आज तक नहीं देखा। शादी के बाद तुम इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना। मैं इस घर के साथ साथ अपनी एक फैक्ट्री और बिजनेस के कुछ शेयर्स भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन क्यों, मुझे तो इस सब की जरूरत नहीं। अल्लाह ने इतना सब कुछ अता कर दिया बगैर मांगे। हाँ, अल्लाह से एक सिंसियर और मोहब्बत करने वाले शख्स की ख्वाहिश की थी, सो अल्लाह ने आपको मुझे अता कर दिया। बाकी ये दौलत जायदाद ये सब नहीं चाहिए मुझे, इन सब का मैं क्या करूँगी, इन सब की ख्वाहिश ही नहीं, सिर्फ आपकी ख्वाहिश है। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बहुत। तो फिर कहती क्यों नहीं हो, मुझसे कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं छोड़कर जिंदा कैसे रहूंगा? मेरा आपके अलावा और कोई भी नहीं। मेरे होते हुए ऐसी बातें ना किया करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो तुम मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती हो? एतबार तो है, लेकिन फिर भी मोहब्बत को खो देने का डर बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता अपना नहीं मिला, सब दिखावे के। शायद कुदरत ने इसीलिए हम दोनों को मिला दिया है। नगीन में जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे
मैंने सुल्तान जैसा मर्द अपनी जिंदगी में नहीं देखा, शायद फिल्मों या ड्रामों में भी नहीं। ऐसा लग रहा है उसने तुम पे आज कुछ पढ़ के फूंक दिया। तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो। हम पूरा दिन एक दूसरे के साथ थे। वो मुझे अपने घर भी ले गया जहाँ उसके और मेरे सिवा कोई नहीं था। हम घंटों बैठे रहे, बातें करते रहे। तुम्हें पता है उसने मुझे छूने की कोशिश तक नहीं की। वाकई? मैं बहुत डर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके साथ घर में दाखिल होने लगी तो जैसे डर पता नहीं कहाँ चला गया। सब कुछ अच्छा हो गया। हम घंटों बैठे रहे, बातें करते रहे, एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन एक बार भी सुल्तान ने मेरी तरफ मेरी निगाह से नहीं देखा। मैं तो अपनी अकल को कोस रही थी कि मैंने उसको समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आपको किसी बड़े को साथ लेके आना चाहिए था। दुनियादारी भी तो कोई चीज है ना। जी मुझे अंदाजा था कि आपको मेरा अकेला आना थोड़ा सा मायूब लगेगा। नगीन ने बताया होगा आपको कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। मेरी फैमिली में बीजान के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन आपके चचा? मेरे चाचा से मेरे कुछ इख्तलाफात हैं। वो एक्चुअली अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते थे और मैं राजी नहीं हुआ इसलिए। तो शादी में तो शिरकत करेंगे ना? उसके लिए मैं काफी हूं ना। देखिए शादी में मेरे साथ बीजान और मेरे कुछ दोस्त अहबाब ही आएंगे। मैं बहुत सादगी के साथ रुखसत करके लेके जाना चाहता हूँ नगीन को। क्यों? आप सादगी से क्यों निकाह करना चाहते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मेरी कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, दूसरा चाचा नाराज हैं तो ज्यादा धूमधाम से शादी करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। कितने अच्छे ख्यालात। मैं तो खुद खिलाफ हूँ जी धूमधाम की शादी के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 16 ने सच। हाँ लेकिन खानदान वालों को बताना तो होगा ना, आखिर आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो धूमधाम से क्यों नहीं? नहीं आप बारात में जितने चाहें लोग बुला लीजिए, माइयों मेहंदी जितने फंक्शंस होते हैं सब कीजिए। मैं नहीं चाहता कि नगीन की खुशियां अधूरी रह जाए, लेकिन बस शादी के सारे अखराजात मैं उठाऊंगा। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत खुददार हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सच में ये बात दिल से कह रहा हूँ, शादी के सारे अखराजात मैं ही उठाऊँगा। तो फिर मैं बात पक्की समझू? क्या बात की आप? इतने मान और चाहत से आपने नगीन का हाथ मांगा तो अब इनकार थोड़े ही करेंगे हैं? हम सोच के बताएंगे। मैंने कह दिया ना नुसरत, कह दिया। अच्छा ठीक है एक मिनट ठीक है, आपके पास सोचने के लिए पूरा एक हफ्ता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसला मेरे हक में आएगा। मैं नगीन को उसके हिस्से की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। मगर इतनी जल्दी
सब इंतजाम कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सारे इंतजाम मैं कर लूंगा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? छोड़े ना इस बहस को। देखो बेटा, हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, बट तुम अकेले मुंह उठा के चले आए हो रिश्ता मांगने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है, ये तरीका नहीं होता हमारे यहाँ, और शरीफों के यहाँ होता ही नहीं है। लेकिन चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए हाँ कह देते, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खानदानी कोई अकबर बादशाह के खानदान से थोड़ी है अम्मा। अम्मा जरा पुराने ख्याल, इनकी बातों का पुराना बनाइएगा आप। तो बस एक बात है, आपके जैसा हीरा लड़का नगीन को मिलेगा नहीं, बता रहा हूं मैं। क्यों अम्मा, है ना? बहुत बहुत मुबारक बातें हो गई, अगले जुम्मे को निकला। अरे नहीं, इससे वजन नहीं पड़ता। इतनी जल्दी एक ही मुलाकात में सब तय हो गया? अरे तो और क्या भाई, इतना अमीर कबीर गोरा चिट्टा लड़का है, हाथ से हमने थोड़ी जाने देना था। तुम्हारी बहन कह रही थी कि थोड़ा टाइम और मांगने को, मैंने नहीं सुनी इसकी, हाँ करती मैंने। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। इतना गोरा चिट्टा, इतना अमीर कबीर लड़का, उसको ना करना तो कुफराने नेमत है ना। देख लो, तेरी अकलौती साली और नसीबा खुल गया इसका। देखो मैं बहनों ही हूँ तुम्हारा, लेकिन बाप से बढ़कर पाला पोसा मुझे, अपने गरीब बहनों ही को भूल मत जाना। बस अल्लाह करे कि जो दिख रहा है वैसा ही हो। अरे गुलाबो, तुम अगर अच्छी लगी रही हो तो तुम भी मुंह मीठा करो ना। हाँ, ऐसे ऑल फॉल बके जा रही हो, मेरे जैसे हीरे की कदर नहीं की तो इस जैकपॉट की क्या कदर करूंगी। लो जैकपॉट कह दिया मैंने। देखो मेरे फैसले में निगो खुश है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सपने गरीब बहनों को भूल ना जाना, ही हैदराबाद के चमचम भी याद आएंगे तुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं। और हाँ, अब बच्चों की तरफ से बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं सुल्तान से कहूंगी उन्हें किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला देंगे। नहीं नहीं नहीं, सब हो जाएगा, बस तुम अपने घर की हो जाओ, तुम्हारा घर हमारा ही घर हुआ था, बस तुम खुश रहो। अरे वो सेल्फी होनी चाहिए थी, चलो वो फिर डैरन सेल्फी वाली बना लेते हैं।